हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं कि ग्रॉसरी स्टोर के बारे में, यूके का ग्रॉसरी स्टोर कैसा होता है। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक यूके का ग्रॉसरी स्टोर जो मेरे घर से नज़दीक में है, और मैं आपको दिखाऊंगा द प्राइस डिफरेंस बिटवीन यूके एंड इंडिया, सो यू कैन एंजॉय द व्लॉग। सो बेसिकली यूके में बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर है, जैसे कि प्रीमियर हो गए, आजदा हो गया, सुपर मार्केट्स हो गए, सो यू कैन ब्रॉट योर थिंग्स फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो यूके के लिए, सो आपको यूके में सब कुछ मिल जाएगा, एवरी थिंग यू कैन गॉट। यूके में जो इंडियन स्टोर्स है, यूके में इंडियन स्टोर में सब कुछ मिल जाता है, जैसे इंडिया खाना पीना, दाल चावल रोटी सब कुछ, एवरी थिंग। ऐसे कि नहीं कि आपको इंडिया से लेके आना पड़ेगा, ऐसा मत करना गलती कि इंडिया से कुछ लेके, जैसे मैंने गलती किया, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके आया था, ऐसे मत करना है, सब कुछ मिल जाता है यूके में। यू कांट प्रेडिक्ट यूके'स वेदर, सो यूके का 3 W's है, वर्क वेदर एंड वूमेंस। यू कांट प्रेडिक्ट दैट यूके में कि कब मौसम बदल जाए, कुछ तो भरोसा नहीं है। सो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं केस फार्मेसी लिखा हुआ है, तो यहीं से हम दवाई वगैरह लेते हैं अगर बीमार पड़े तो। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सुपर स्टोर है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। $1 और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, गलत वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, सो जाए ये मसाला दार आइटम मसाला और कुकीज़, जिसको मुझे कुकीज़ लेना है। चाय, अगर कोई चाय के शौकीन है तो फिर उसके लिए 82 pounds में चाय, चीनी वगैरह। यहाँ पर स्टेशनरीज आइटम्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे किताब वगैरह का, कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चों, पेन, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे चिप्स वगैरह आप देख सकते हैं, और 139 क्रेप में आइसक्रीम भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, तो आइसक्रीम भी आपको मिल जाएगा। यूके में क्या है ना, यूके में बेसिकली केक्स वगैरह बहुत ही सस्ता होता है, सो आई कैन शो यू द केक्स। ब्रेड आइटम्स हो गए, सो मैं ये लेता हूँ फ्रूट ब्रेड वगैरह, दैट कॉस्ट मे अराउंड 1.39 or 1.69 समथिंग। यहाँ पर अलग अलग ब्रेड आइटम्स हो गए, ये भरे वाले ब्रेड है, एक में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन का मसाला, अगर कोई मसाला वगैरह, ये पेपर हो गए, गार्लिक पेपर 2.29 में, जलपिनोज, ये सारा पेपर वगैरह है, अपना सारे मसालेदार। और चावल बासमती राइस, अगर कोई बासमती राइस चाहिए तो 2.69 पे बासमती राइस। आप अगर प्राइस डिफरेंशिएशन देखना चाहते हो तो प्राइस डिफरेंशिएशन उतना ज़्यादा नहीं है, इंडिया में भी चावल 200-300 का ही आता है, और यहाँ पर भी 2 pound 3 pound में आएगा। ये कन्वर्शन रेट यार भूल जाओ। ये सॉफ्ट, ये टिश्यूज़ वगैरह हो गए, ये टिश्यूज़ भी आ जाएगा 1.89 में। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मतलब हर रोज़ चाहिए ही चाहिए। वहाँ पर टिश्यूज़ का भी बहुत बहुत अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग कर्टन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ टिशू वगैरह लगा रखते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी मिल जाएगा ग्रॉसरी स्टोर में, जैसे ये स्टेपसिल्स हो गए, ये चेस्ट, ये सब कोल्ड एंड कॉफ के लिए हो गए, ये सब भी मिल जाएगा आपको। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long.
आप लोगों को दिखाई दिए कि यूके के ग्रॉसरी स्टोर में हर चीज़ मिल जाता है, ऐसे कि नहीं आपको इंडिया से लेके आना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें लेके आओ, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि बैग वैग भर के मतलब पूरा का पूरा खाने पीने का सामान ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, हर चीज़ मिल जाती है यूके में। सो अब जब यूके आ रहे हो तो उस टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि मेडिसिन का थोड़ा बहुत मेडिसिन लेके आओ इंडिया से, और एक चीज़ अपने ध्यान में रखना, मेक श्योर करना कि जब आप इंडिया से आ रहे हो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो सिस्टम है ना, यानी कि 1 pound इन द सेंस की 100 rupees इन इंडियन करेंसी, सो ये करना प्लीज़ भूल जाओ, दिमाग से ये चीज़ निकाल दो। अगर आप ये दिमाग में रखोगे तो आपको हर चीज़ महंगा लगेगा। कुछ भी खरीदने जाओगे, अगर आप एक बिस्किट्स भी खरीदने जाओगे 1 pound का आपको लगेगा या 100 rupees का एक बिस्किट्स, इससे बढ़िया तो मैं नहीं खरीदूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। और वैसे भी यूके का प्राइस में और इंडिया का प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि आई थिंक सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे भी चावल वगैरह इंडियन ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है। अभी मैंने अपना शॉपिंग कर लिया है तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। सो मैं आपको नज़ारा दिखा सकता हूँ आगे की, नज़ारा कैसा है। जो यूके का वेदर है ना, ये यूके का वेदर के ऊपर कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी बारिश हो जाए कभी धूप निकल जाए। जैसे थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रहा था जब मैं शॉप में गया था, अब शॉप से मैं जैसे मैं निकला फिर देखा कि धूप निकल गया। यू कांट प्रेडिक्ट अबाउट यूके का वेदर यार, साइक्लिंग अक्रॉस द आइलैंड। सो हाउ मेनी प्लेसेस यू जस्ट गो अराउंड? इट्स 24 डेज ऑन द बाइसिकल। ओह माय गॉड, इन दिस बाइसिकल? ओह, एंड देन 24 places actually. It's across the island. 15, yeah, across island. And so yesterday and today, two stages in Northern Ireland. Okay. It's approximately. So now you are heading to the Cache or Midlands. Yeah, right. Exactly. Oh, okay. It's approximately 1500 kilometers. 1500 kilometers. Oh my God, that's all good. Good one, I'm understanding. Okay. We're here, so just went. So we're here. Yeah, I think we're here. So just go on that way by your cycle, so you can go out on the Keska Astral Commission, okay, right? Okay. So that's be good for you. Okay. So yeah? Just straight on. Go there. Straight on there. Okay. So Crevenish Castle, Clubview Castle. So this road. So this road and Escola. I think I'm. You are in here, okay? I think I'm on it, but Crevenish Castle. It should be okay, but I want to get to. To the loch. Is this the right road? Is this the right way to get the castle? You want to go for the beach, yeah? Yeah, okay. And then there's a road going along. There's a road goes to a cycle away. So you just turn around. All okay, right? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Bye-bye. वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी यूके के ग्रॉसरी स्टोर के बारे में आइडिया होगा, यूके का ग्रॉसरी स्टोर कैसा होता है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आप मेरे पीछे ये झंडा देख सकते हैं यूके का जो इंडियन जैक्स है। सो लाइक दिस व्लॉग, सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।